नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों, हम लोग कक्षा 7 की एनसीईआरटी लगा रहे हैं, उसमें दोस्तों आज प्रश्नावली 1.3 कर रहे हैं, उसका पांचवा प्रश्न करेंगे। 4 प्रश्न दोस्तों हम कर चुके हैं, आइए देखते हैं पांचवे प्रश्न का। ए लिखा है 26 गुणे -48 प्लस -48 गुणे -36। दोस्तों इसमें से हम -48 अगर कॉमन ले लें, -48 कॉमन ले लें, क्या बचेगा अंदर? 26 प्लस -36। ठीक है दोस्तों, और सॉल्व करिए। -48, 26 माइनस 36, 26 माइनस 36 दोस्तों -10 आएगा। -48 का गुणा आपको करना है -10 से, माइनस माइनस संख्याएं प्लस हो जाएंगी, 480 आ जाएगा दोस्तों आपका उत्तर, 480। बी देखते हैं, 8 गुणे 53 गुणे -125। दोस्तों पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, आप जान ही रहे हैं आगे पीछे गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 125 8 हम जानते हैं 1000 होता है, तो 53 गुणे -1000 आ जाएगा दोस्तों, -53,000 उत्तर, -53,000। ये दोस्तों तीसरा देखते हैं, 15 गुणे -25 गुणे -4 गुणे -10 -10। दोस्तों 25 चौक 100 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 गुणे 100 गुणे -10, यानी दोस्तों हो जाएगा ये 1500 गुणे -10, यानी कि -15,000। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, -15,000। चौथा देखते हैं, -41 का 102 से गुणा है दोस्तों, -41 का 102 से दोस्तों गुणा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? -41 गुणे में 100 प्लस 2, यानी कि -41 गुणे में 100 प्लस -41 गुणे में 2, -4100 और -41 दूना 82। इन दोनों को दोस्तों जोड़ दीजिए, माइनस निशान रहेगा, 2 8 1 4, -41 42, -41 82, 625 गुणे -35 प्लस 625 गुणे65। ठीक है दोस्तों, थोड़ा समय यहाँ मिटा लेते हैं। क्या जाएगा दोस्तों, यदि हम 625 कॉमन ले लें, 625 दोस्तों कॉमन ले रहे हैं हम, अंदर क्या बचेगा? -35 प्लस -65। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 625 ले लिया तो ये -1 बचा, -1 गुणे 65 -65, तो हो जाएगा ये 625, 65 और 35 जुड़ के दोस्तों -100 हो जाएंगे, यानी कि -625 और 2 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं, 7 गुणे 50 माइनस 2, यानी 7 गुणे 50 माइनस 7 गुणे 2, 7 गुणे 50 दोस्तों कितना होता है? 350, 7 2 14, 14 इसमें से घटा दीजिए आप, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 336 दोस्तों, 336। जी देखते हैं, -17 का दोस्तों -29 से गुणा है, तो -17 को हम क्या लिख सकते हैं? -30 प्लस 1, है ना दोस्तों, 17 जो 30 था उसको हमने ऐसे लिख दिया, 30 जो था उसको -30 प्लस 1 कर दिया, यानी कि -29 ही है ये। और दोस्तों फिर इसको ऐसे लिख दिया, -17 गुणे -30 प्लस -17 गुणे 1, 17 3 51, 510 -17,
कितना हो जाएगा दोस्तों, 493, 493 आ गया इसका उत्तर। अच्छा देखिए, एच एच में दोस्तों 57 जो है वो कॉमन हो रहा है, 57 आप कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा -1 गुणे -19, 19 प्लस 1 यानी 57 गुणे 20, 57 गुणे 20 यानी दोस्तों 57 दूनी 114 और एक जीरो बढ़ जाएगा, 1140। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों छठा प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किसी हिमीकरण, हिमीकरण यानी दोस्तों ठंडा कर रहा है वो, जीरो से भी नीचे बर्फ बर्फ बना रहा है, यानी कि कोल्ड स्टोरेज आप कह सकते हैं, जहां पे चीजों को स्टोर किया जाता है 0 डिग्री से भी नीचे, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमती है ना दोस्तों, बर्फ जमती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। इससे आप नीचे जाएंगे तो क्या -1 डिग्री सेल्सियस, -2, -10, ऐसे ऐसे करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम जो कोल्ड स्टोरेज आपने सुना होगा, कोल्ड स्टोरेज दोस्तों जैसे कोई मछली वगैरह जो लाते हैं यहाँ पे स्टोर करते हैं, या फिर आलू वगैरह कई चीज़ें स्टोर करते हैं आप, फल वगैरह सब्जियाँ वगैरह और मीट मीट वगैरह भी आप स्टोर करते हैं। ठीक है दोस्तों, छठा देखते हैं, किसी हिमीकरण ठंडी प्रक्रिया में कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, एक कमरा है दोस्तों जिसको हम नाम दे रहे हैं कोल्ड रूम, मान लीजिए ये कोल्ड रूम जिसके अंदर सामान हम स्टोर करते हैं, ये दोस्तों ये डेड बॉडी भी हो सकती है, आप देखते हैं डेड बॉडी भी हम स्टोर करते हैं ताकि उसकी प्रक्रिया हो सके, डेड बॉडी को भी स्टोर करते हैं ऐसे कोल्ड रूमों में। ठीक है दोस्तों, तो इसका तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, और फिर कह रहा है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है टेम्परेचर, और 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा दोस्तों, 5 5 डिग्री हर बार कम होता है, तो 1 घंटे बाद क्या हो जाएगा, 1 घंटे बाद 35 डिग्री सेल्सियस, 2 घंटे बाद 30 डिग्री सेल्सियस, 8 घंटे के बाद दोस्तों, 8 घंटे के बाद 8 × 5 = 40 होता है, 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा 8 घंटे के बाद, और 9वें घंटे में कितना आ जाएगा, -5, और 10वें घंटे में -10 डिग्री सेल्सियस। यह हम इस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों, यदि 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, कम हो जाएगा दोस्तों, कम करता है, 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से तापमान को कम कर रहा है, तो 10 घंटे बाद 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अभी दोस्तों अभी अभी 40 डिग्री सेल्सियस है कमरे का, और 50 हम इसमें से कम कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 में से 50 जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 10 घंटे के बाद टेम्परेचर। आशा करते हैं दोस्तों आपको मजा आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।